उठाइए ना। हेलो, ओ ठीक है सर, मैं ड्राइंग करूँ, मैं आती हूँ। ये देख देख, मेरी मम्मी ने मेरे बर्थडे में ये वाला टॉप दी है। हाँ चाहिए। हाँ। Oh yeah! हो जाएगा। और आप लोग क्या देख रहे हो, जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो और नए दोस्त चैनल को बोलो सब्सक्राइब कर दो। तो इसके लिए पहले एक इस टाइप का पेंटिंग ले लो और उसके ऊपर एक प्लास्टिक रखो और प्लास्टिक पेंटिंग के साथ सेट हो जाने के बाद प्लास्टिक को पेंटिंग के अकॉर्डिंग काट लो और फिर फ्लावर और बटरफ्लाई ड्रॉ किया है इसे भी काट लेंगे। अब एक व्हाइट शर्ट ले लो और इस कटे हुए टुकड़ों को उसके ऊपर सेट करके उसके ऊपर रख दो एक पार्चमेंट पेपर और ऊपर से आयरन कर लो। देखो, ड्रॉ किया हुआ फ्लावर और बटरफ्लाई टी शर्ट में प्रिंट हो गया है। अब बच्चे को उसे पहना दो, देखो कितना सुंदर दिख रहा है। अच्छा, ये सब साइड में रख दो और सो जाओ। चलो अभी। हाँ, कल सुबह स्कूल जाना है ना। ओके बेटा, गुड नाइट। 12:00 midnight। अरे सो जा मेरी बच्ची, तेरे पापा वेट कर रहा है मेरे लिए। अभी तक क्यों नहीं आ रही है, जाके देखता हूँ। अरे बच्ची तो सो गई है, चलो। हाथ हटा रही हूँ तो रो रही है, ये देखो। Oh yeah! इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। तो ऐसा के लिए पहले एक ग्लास ले लो और ले लो एक ग्लव्स और ग्लव्स के अंदर ग्लव्स को डाल के ग्लव्स के मुंह को बड़ा कर लो। देन एक बोल में ले लो चावल और चावल को ऐसे ग्लव्स के अंदर डालते जाओ। चावल से पूरा ग्लव्स भर जाने के बाद ग्लव्स को ग्लव्स के अंदर से निकाल लो और ग्लव्स के मुंह को ऐसे रबर बैंड की मदद से सिक्योर कर दो। तो देखो, हमारा ये ग्लव्स से बना हुआ नकली हाथ तो बन गया। अब इस हाथ को उसके हाथ पर ऐसे धीरे से रख दो, थोड़ा सा भी नहीं रोएगा। बहुत सारा असाइनमेंट है। अच्छा सुन ना, तेरी बहन को मैं यहाँ पे बिठा के जा रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, तुम शांत हो तो बैठो। हेलो बाबू। हाँ मैं भी वही कर रहा हूँ। ठीक है चल भाई। क्या कर रहे हो तुम्हें? क्यों किया तूने ऐसा? अब मैं क्या करूं? चुप करके बैठो। हर वक्त शैतानी। मुझे भी दे। अरे क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? देख लो मम्मी, मेरा पूरा ऐसे में खराब कर दिया उसने। मुझे रहने नहीं है इस घर में। Oh no! मम्मी मुझे चाहिए। रो मत, रो मत। अभी ये मैं कहाँ से लाऊं? Oh yeah! अच्छा रुको बेटा, मैं तुम्हें अभी बना के देती हूँ। बेबी लैपटॉप बनाने के लिए पहले एक इस तरीके का कार्डबोर्ड ले लो और उसको फॉइल पेपर से पूरा रैप कर लो। देन एक इस तरीके का प्रिंट आउट लेके कार्डबोर्ड के इस साइड पर ऐसे चिपका दो और एक इस तरीके का कीबोर्ड टाइप का प्रिंट आउट लेकर कार्डबोर्ड के इस साइड पर चिपका दो। देन एक बबल रैपिंग पेपर लेके कीबोर्ड प्रिंट आउट के ऊपर ऐसे सेट कर दो। तो देखो, हमारा ये बेबी वाला DIY लैपटॉप बिल्कुल तैयार है। अब जाओ इसे अपने बेबी को दे दो। इससे ना बेबी को कीबोर्ड टाइप करते टाइम एकदम रियल वाला फीलिंग आएगा और खुशी खुशी खेलने लगेगा, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा।
दिला दो वो दिला दो, जिद नहीं करते बेटा चलो। प्लीज मम्मा दिला दो ना प्लीज। भैया ये बलून कितने का है? 50 का है। एक बलून के लिए 50 रुपए? कम नहीं होगा? नहीं नहीं कम नहीं होगा, बना तो लो बना जाओ। अच्छा बेटा घर चलो, तुम्हें घर जाके इससे भी अच्छा बलून होगा। चलो अब नहीं दोगे, अभी दे दो ना मम्मा। बोला ना घर जाके दूंगी। चलो Few moments later. चलो अब तुम्हें फ्रेश कर देती हूँ। मम्मा घर आ गए, अब बलून दो। ओफो इसे अभी भी याद है। रुको लाती हूँ। ये लो। मम्मा ये फूल नहीं है। बेटा शायद इसमें छेद है इसलिए नहीं फूल रहा है। पर आपने तो कहा था कि घर में इससे अच्छा बलून है, अब मुझे अच्छा बलून दिला दो प्लीज। दिला दो अब मुझे अच्छा बलून चाहिए। Oh yeah! अच्छा मेरे बच्चे रोना बंद करो, मैं तुम्हें सबसे अच्छा वाला बलून दूंगा। तो ऐसा के लिए पहले एक छेद हुआ जो बलून है उसे ले लो और ऐसे काट लो। देखो साइड से ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमें काटना है। अब एक व्हाइट बलून ले लो और ब्लू के अंदर उसे इंसर्ट कर दो। देन बलून के अंदर कागज डाल के उसके अंदर डाल दो कुछ इस टाइप का ग्लिटर और फिर बलून में डाल दो थोड़ा सा पानी और नॉट बांधते हुए बलून के मुंह को सिक्योर कर दो। और लास्ट में एक इस तरीके का रिबन लेकर ऐसा एक क्यूट सा बो बना दो और जाओ जाके इसे अपने बच्चों को दे दो और देखना वो इसे देख के कितना खुश हो जाएगा और खुशी खुशी खेलने लगेगा। पहले ऐसे डिफरेंट साइज के कुछ छोटे छोटे कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लो और उसे ऐसे सेट कर लो। अब इस गैप के सामने छोटे ऐसे दो कार्डबोर्ड के टुकड़े को सेट कर दो और उसके ऊपर सेट कर दो ऐसे दो छोटे छोटे स्टिक। देन नेक्स्ट एक इस शेप का कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर उसमें दोनों साइड से सेट कर दो ऐसे दो छोटे छोटे टूथपिक। अब टूथपिक के अंदर दोनों साइड से ऐसे रबर बैंड डाल दो। अब हम इस पार्ट को पहले बनाए हुए पार्ट के साथ ऐसे सेट कर देंगे। अब अगेन इस टाइप का एक कटा हुआ कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर उसके ऊपर से सेट कर दो। देन एक इस टाइप का प्लास्टिक का बॉक्स उसे इस डिस्पेंसर के अंदर सेट कर दो। अब इस तरीके का कार्डबोर्ड की मदद से पूरा कवर कर देंगे। देन ढक्कन बना लो और उसे डिस्पेंसर के ऊपर सेट कर दो। अब इसके अंदर डाल दो कैंडी। जब भी कैंडी खाने का मन करे इस कार्डबोर्ड को ऐसे अंदर की तरफ धकेलो और देखो कैंडी बाहर निकल कर आएगा। तो गाइस कैसे लगे वीडियो? अगर आपके घर में भी ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़े शरारत करते हैं तो ये सारे हैक्स सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और अभी देखो मेरी बच्ची मेरे से बड़ी हो गई है। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट भी करना और लास्ट में जो दोस्त चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।